प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा अली डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आपसे एक दफ़ा फिर मुखातिब हूँ पिछली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपना एक मैसेज रिकॉर्ड किया था जो कोरोना वायरस के हवाले से था उसमें जो इंसान आजकल मुश्किल दरपेश हैं उसके हवाले से मैंने कुछ बात की थी तो कुछ आ, उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा बहुत अप्रीशियट किया बहुत ज़्यादा उनकी शक्र गुज़ार हूँ जिन लोगों ने भी उसे अप्रिशेट किया शेयर किया और दूसरे पेजेस के साथ पर भी ताकि जो मैसेजेस हैं वो और लोगों तक भी पहुँच सकें तो ये एक सदका का जारिया है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इसमें शामिल हुए इस कार्य में इस सदके के जारिया में तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप लोग जो हैं जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे फ़ायदा उठाएंगे और और लोगों तक भी जो है उसको पहुँचाएंगे शेयर करेंगे और ये बहुत ही यानी एक मुश्किल का वक्त है जिसमें हम सब मिलकर जो है इसमें काम कर रहे हैं जिसकी जितनी भी मालूम है जो सर्विसज हैं वो अपने अपने तौर पर जो है वो सर्विसज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोगों ने कुछ सवाल किए और मैं चाह रही थी कि मैं उनको थोड़ा सा लिख लूँ कि क्या क्या सवालत हैं ताकि मैं उसके जवाब जो दे सकूँ कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया कि वो सेशंस लेना चाहते हैं तो अभी चूंकि इंस्टीट्यूट बंद है तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो वॉल्टियर जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअली जब कोई ऐसा डिज़ास्टर्स होता है जो कि जिसमें ज़्यादा मासेज इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा लोग या कम्यूनिटी इफेक्ट हो रही होती है तो फिर ज़्यादा लोगों को उठ के काम करना पड़ता है तो बहुत से ऐसे माहिर नफस्यात हैं जो जिन्होंने एक टीम बना ली है और डिफरेंट हेल्पलाइन के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है और उन हेल्पलाइन के साथ वो अपनी अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो अभी मैं उन हेल्पलाइन के नाम और नंबर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप उन हेल्पलाइन से रजू करें और वहाँ से जो है सर्विसेज जो हैं वो ले सकें इन में से एक जो है हेल्पलाइन जो हमारे कुछ सीनियर साइकोलॉजिस्ट जो हैं जो आ, एक सोसाइटी है पाकिस्तान सोसाइटी फॉर एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी जिसमें बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के और हमारे कराची के स्पेशली माहिर जो हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इसका हेल्पलाइन का नंबर आप नोट कर लें नाइन वन टू थ्री ये डायरेक्ट नंबर है जो आप मिला सकते हैं इसके अलावा दूसरा नंबर है हमारा ज़ीरो टू वन ट्रिपल वन डबल वन नाइन वन टू थ्री इस नंबर पे आप कॉल करेंगे दो बजे से लेके शाम छः बजे तक मंडे से लेके फ्राइडे तक तो आपको जो है साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो वो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कुछ और डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे डिफरेंट साइकाट्रिस्ट जो हैं वो भी अवेलेबल हैं व्हाट्सएप नंबर्स भी उनके अवेलेबल हैं यहाँ पर मैंने जो है अपने पेज पर पे शेयर भी कर दिए हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं uh, उसमें डॉक्टर uh, इमरान सादिक का नंबर है uh, वो अवेलेबल है आप उन्हें कॉल कर सकते हैं ज़ीरो थ्री वन टू सेवन जीरो टू नाइन डबल थ्री जीरो से आप जो है शाम में सेवन टू एट का टाइम है उस पर आप व्हाट्सएप करके वहाँ से उनसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे कि एनजाइटी या डिप्रेशन से रिलेटेड या दिल घबराना या कुछ भी इस तरह से आ, सिमटम्स हो रहे हैं और अगर आप पहले से ही मेडिकेशन ले रहे थे तो आप अपने जो डॉक्टर्स हैं आप उनसे रजू करें और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यहाँ पे जो नंबर अभी मैंने डॉक्टर इमरान सादिक का आपको बताया है फ्री जो है कंसल्टेंसी अवेलेबल है उनकी आप यहाँ से भी उनसे कंसल्टेंसी करके नंबर्स जो है मेडिसन्स जो है ले सकते हैं इसके अलावा एक और हेल्पलाइन है जो कि राशिद लतीफ़ मेडिकल सेंटर की वेलनेस सेंटर की हेल्पलाइन भी मैं आपको बता बता देती हूँ यहाँ पर भी पर भी क्लिनिकल हैं ट्रेंड अवेलेबल हैं उनसे भी आप साइकोलॉजिकल सर्विसेज ले सकते हैं ज़ीरो थ्री डबल वन वन ट्रिपल थ्री डबल टू थ्री आर एल एम सी यहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है यहाँ से भी आप जो है नंबर जो है ले कर बातचीत जो है कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप मुझे टेक्स करेंगे जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का हमारा इनबॉक्स है वहाँ पर भी अगर आप अपना कोई स्पेशल या स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम अगर आप वहाँ पर टैक्स करते हैं कि आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है तो मैं आप आपको रेफ़र कर दूंगी जो कि ऑनलाइन सर्विसेज आजकल लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आ, उनसे मेरा कॉन्टेक्ट है मैं वहाँ पर आपके नंबर जो है वो मैं रेफ़र कर दूँगी अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया था कि पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है पैनिक डिसऑर्डर जो है एन्जाइटी डिसऑर्डर है इसमें होता ये है कि अचानक से कभी ऐसा होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत जो है ख़राब होने लगती है जैसे कि दिल बहुत ज़्यादा धड़कना शुरू हो जाता है या पेल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है गला सूखता हुआ महसूस होता है या ऐसा ऐसे ख्याल आते हैं कि अभी जैसे जान निकल जाएगी या मर जाऊँगा मैं और ठंडे ठंडे पसीने आने लगते हैं इरीटेशन सी जो है होने लगती है और ये कुछ देर के लिए आ, होता है इस तरह के सिम्टम्स, और उसके बाद इंसान का वहाँ पे जिस जगह पे ये सिम्टम हुए होते हैं सम टाइम वहाँ जाते हुए घबराहट महसूस होती है और लोग वहाँ पे जाना जो है वो अवॉइड कर देते हैं और ऐसे में आ, इस तरह की कंडीशन हो जाती है जैसे कि दिल बंद हो रहा है और आ, लाइफ में कभी एक दफ़ा अगर पै... तो ये फियर भी डेवलप हो जाता है कि कहीं हमें दोबारा से इस तरह के सिम्टम्स ना हो जाए अगर ये इसकी वजह से पैनिक की वजह से या पैनिक अटैक जो हुआ था उसकी वजह से आपकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो इफ़ेक्ट होने लगती है या आप जो काम काज पहले ठीक तरीके से कर कर रहे थे अब नहीं कर पा रहे हैं या काम पे पहले जा रहे थे अब नहीं जा रहे हैं अगर ऐसे सिम्टम्स रहते हैं तकरीबन टू मंथ्स तक तो फिर आप जो है डॉक्टर्स को दिखाने की जरूरत होती है उसमें मेडिसन्स भी देनी पड़ती हैं क्योंकि जो ब्रेन के अंदर केमिकल्स हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं और उसके साथ साथ साइकोथेरेपी से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है कॉगनेटिव बिहेवियर थेरेपी इसमें बहुत इफेक्टिव है हैपनोथेरेपीज इसमें बहुत इफेक्टिव है और उसके लिए माहरीन के साथ डिफरेंट सेशंस जो हैं वो कंडक्ट होते हैं जिसके बाद जो है ये जो प्रॉब्लम है एंजाइटी से रिलेटेड ये सॉल्व हो जाता है इसके अलावा किसी ने ये पूछा कि वो इंस्टीट्यूट के अंदर जो है दी जाती है अच्छा इससे पहले जैनब ख़ान ने कहा है कि नंबर्स को रिपीट कर दें तो मैं ये हेल्पलाइन का जो नंबर है ये अमन फाउंडेशन जो है अमन टेली हेल्थ ये उनके साथ जो है हमारे टीचर्स ने कलेबरेट करके सर्विसेज अपनी दे रहे हैं तो इसका नंबर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ नाइन वन टू थ्री ये चार हिंसों का नंबर है नाइन वन टू थ्री इसके अलावा दूसरा नंबर भी है ज़ीरो टू वन ट्रिपल ट्रिपल वन डबल वन नाइन वन टू थ्री ठीक है ये नंबर है इसके अलावा दूसरा जो नंबर मैंने राशिद लतीफ़ का बताया था ये भी आप नोट कर लें ये नंबर है जीरो थ्री वन 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 ट्रिपल थ्री डबल टू थ्री इसके अलावा एक और नंबर जो मैंने साइकैट्रिक का बताया था डॉक्टर इमरान सादिक का वो नंबर है ज़ीरो थ्री वन टू सेवन ज़ीरो टू नाइन डबल थ्री ज़ीरो नंबर पर जो है आप फोन करके मुफ्त सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं अच्छा ट्रीटमेंट जो इंस्टीट्यूट में दी जाती है वो मुख्तलिफ तरह की दी जाती है जिसमें साइकोलॉजिकल जो असमेंट है यानी जो मर्स है उसकी तश्स की जाती है जिसके लिए हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं वो हम करते हैं और इसमें तकरीबन बच्चों यानी ढाई साल तीन साल से ले कर बच्चों से लेकर बड़े यानी बूढ़ों तक जो है मुख्तलफ बीमारी की तशखीश की जाती है Uh, टेस्टिंग यानी साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग सर्विसेज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं इसमें डिफरेंट जो पाकिस्तान से के मुख्तलिफ इलाकों से स्पेशली कराची और सिंध के इलाकों से हमारे पास रेफरल आते हैं यानी जो स्कूल से वो रेफ़र करते हैं टेस्टिंग के लिए और टेस्टिंग की जरूरत क्यों पेश आती है क्योंकि बहुत सी जो बीमारियां होती हैं उनके इलामत जो हैं मिलती जुलती सी होती हैं और वो फिज़िकल भी हो सकती हैं यानी जिसमानी नोयत की भी हो सकती हैं नफसियाती भी हो सकती हैं तो उसकी बेहतर जब तक तश्ीस नहीं की जा सक जाती जब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते तो अगर तश्ीस हो जाती है डायग्नोसिस ठीक होता है तो उसके बाद जो है फिर जो साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो हैं वो दी जाती हैं या कौन सी दवा उसके लिए मैसर होगी वो जो है दवा दी जाती है इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अलावा साइकोथेरेपी की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती हैं साइकोथेरेपी एक ऐसा तरीक़ा इलाज है जिसमें बातचीत के ज़रिए जो है इंसान के जो सोच है उसके तरीके को चेंज किया जाता है सोच के अलावा जो किस तरह से बिहेव करता है उसका एटीट्यूड क्या है लोगों के से बातचीत कैसे करता है उसके ताल्लुकात कैसे किस तरह से हैं उनको तब्दील किया जाता है और उसके रवैये के अंदर जो है तब्दीली लाती है तो बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं नफसियाती जिसमें इंसान के जो रवैये हैं वो मनफी हो जाते हैं या इस तरह के रवैये हो जाते हैं जो कि हमारे माशरे के अंदर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है या एक नॉर्मल पर्सन जो है वो जिस तरह का रवैया रखता है वो उससे थोड़ा सा मुख्तलफ होता है या उसका जो एज है या उम्र है उसके तकाजे के मुताबिक वह बिहेव नहीं कर रहा होता तो ऐसे में जो साइकोथेरेपी है वो उन रवैयों को जो है तब्दील करने में मदद देती है और शख्सी जो तब्दीलियां हैं उसके लिए या पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसके लिए भी साइकोथेरेपी जो है हम करते हैं और उसमें भी शख्सियत के अंदर जो खामियाँ होती हैं हमारी कुछ ऐसी आदात होती हैं हमारे रवैये होते हैं हमारे रवैये होते हैं जो कि हमारे लिए भी नुकसानदेह होते हैं या हमारे लिए स्ट्रेस का बायस होते हैं और हमारे साथ साथ जो हैं और दूसरे जो लोग हैं उनके लिए भी नुकसान का बायस होते हैं तो उसके लिए भी साइकोथेरेपी जो है वो प्रोवाइड की जाती है लेकिन अभी चूंकि इंस्टीट्यूट बंद है तो उस तरह से फिजिकली तो साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन आ, हैं लेकिन ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं हेल्पलाइन नंबर्स जो मैंने आपको दिए हैं और कुछ और जो साइकोलॉजिस्ट हैं ऑनलाइन सर्विसेज़ दे रहे हैं उनके नंबर्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं जब आप इनबॉक्स Uh, वो नंबर स्पेसिफ़िकली प्रोवाइड किए जा सकते हैं uh, इसके अलावा अगर आप मेरे पेज पे देखेंगे तो इस पर भी हमने कुछ लिंक्स जो हैं वो शेयर किए हुए हैं आप वहाँ से भी नंबर्स जो हैं uh, देख सकते हैं और साइकोलॉजिकल uh, जो सर्विसेज़ हैं uh, इस पर हमारा जो सेशन होता है ये पचास मिनट का होता है मोस्टली हफ्ते में एक दिन जो है एक मरीज के साथ जो है वो सेशन लिया जाता है और जो साइकोथेरेपी है ये कम से कम जब यानी बीमारी के हिसाब से होती है जैसे डिफरेंट बीमारियां हैं एन्जाइटी का जो है प्रॉब्लम है या ओसीडी है या डिप्रेशन है या आ, साइकोसिस डिसऑर्डर है शीजोफ्रीनिया है तो उसमें जिस तरह की बीमारी है उसी के लिहाज से जो है उसकी प्लान बनाया जाता है और जो कि अंडर सुपरविज़न सर्विसज़ हमारे यहाँ होती हैं और उसके साथ ही जो है सीनियर सुपरवाइजर्स भी जो हैं वो भी देख रहे होते हैं और साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पर वो भी अपनी सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा यानी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं और इसमें जो क्लाइंट है जो भी सर्विसेज लेने के लिए आ रहा होता है उसकी तरफ से भी कॉपरेशन होता है और साथ साथ जो थेरेपिस्ट है उसका भी स्किल्स जो हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना चेंज जो है वो आ सकता है अभी इस वक्त चूंकि कोरोना वायरस की वजह से ज्यादातर जो रिसर्च हुई हैं या जो और साइकोलॉजिस्ट से डॉक्टर से हमारी बात हुई तो हमें यह पता चला कि अभी अभी इस वक्त जो है एनजाइटी का प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज्यादा कॉमन है एनजाइटी क्या होती और तश्वीश इस हमारे जो जहन है उसके अंदर इस तरह की सोचें आती हैं जो मनफी होती हैं जो मुस्कबिल से रिलेटेड है यानी जहाँ पर कन्फ्यूजन है अनसर्टेनिटी है यानी आगे क्या होगा या बाद में क्या होगा? शायद कहीं ऐसा ना हो जाए या शायद ये बीमारी मुझे ना लग जाए या बीमारी अगर नहीं भी लगी है तो ये ज़रा सीम ना लग जाए या फिर अगर मैं ठीक अ, नहीं हुआ या काम काज इसी तरह से नहीं करते रहे या कुछ काफ़ी अरसे तक बंद रहा सब कुछ तो क्या होगा यानी इस तरह के मुस्तबिल से रिलेटेड डिफरेंट ख्याल का जो है आना ये एनजाइटी को कॉज करता है और इसके अलावा सोच के साथ साथ जो आपके जिसमानी तौर पर जिसम के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है तब्दीली जो है वो महसूस होने लगती है जैसे दिल का धड़कना या पसीने आ जाना या घबराहट जो है वो महसूस होना इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो महसूस होने लगते हैं समटाइम्स तो so, अगर आपको ऐसी इलामत हों तो आप जो हेल्प नंबर्स दिए दिएगी हैं उन पर फ़ोन करें ताकि जो भी ट्रीटमेंट हो सकती है एन्जाइटी को कम करने के लिए वो आपको सिखाई जाए नॉर्मली क्या होता है कि हम सोच को तब्दील करते हैं अगर हम अभी से सोचने लगेंगे कि आगे क्या होगा तो जाहिर है जो हमारा जिसम है वो वैसे ही रिएक्ट करेगा क्योंकि हम हमने जो है अपने आप को एक सजेशन दे दिया कि पता नहीं क्या होगा या अनसर्टेनिटी है या कन्फ्यूजन है हमारे जहन के अंदर तो हमारी बॉडी भी फिर वैसे ही रिएक्ट करने लगती है आ, तो उसके लिए नॉर्मली ये कहा जाता है कि आप अपनी सोच को तब्दील करें अपना फोकस जो है वो प्रेजेंट पे रखें कि अभी इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ क्या चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है वो मैं करूँ उसके लिए आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम सोल्यूशन फोकस कोपिंग होती है वो हेल्प आउट करती है कि प्रॉब्लम जो करंट है उसको मैं किस तरह से साफ कर सकता हूँ सही कर सकता हूँ तो करंटली जो डॉक्टर्स ने हमें सजेस्ट किया है कि आप आ, जो है बार बार हाथ धोएं फास्ट चेहरे पे अगर आपने कहीं टच किया है तो फिर चेहरे पे ना लगाएं तो एहतियाती जो तदाबीर हैं जो डॉक्टर्स ने हमें बताई हैं अब वो हमारे कंट्रोल में हैं तो अगर हम उन्हें कर रहे हैं इस्तेमाल और अभी तक हमने देखा है कि 25 दिन 26 दिन गुजर चुके हैं और अलहमद ला बहुत से पाकिस्तान के अंदर रेट इतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि और मुल्कों में है तो इसका मतलब है कि वीप आउट कर रही हैं तो अगर आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे तौर पर हम बीमारी से हम दूर रहेंगे और हम बचे रहेंगे और ये आगे हमें आ, हमारी जो आ, जहन जहन है उसको भी रिलैक्स करता है कि ठीक है ये कामयाबी के साथ हमने अभी तक इतना टाइम गुजार लिया तो आगे भी हम गुजारेंगे तो अपना फोकस प्रेजेंट पे अगर हम रखते हैं अपना चीज़ों को लाइन अप कर लेते हैं अपनी एक रूटीन बना लेते हैं तो हम बहुत सी नेगेटिव चीज़ों से हम बचे रहते हैं इसके अलावा भी जो अगर किसी को ये लगता है कि डिप्रेशन कॉज हो रहा है डिप्रेशन की भी मुख्तलिफ होती हैं जैसे कि मनफी ख़याल आना और इसके मनफी ख़ माजी के बारे में आना के क्या हो गया यानी माजी में जो हुआ था उससे रिलेटेड या लोग कहते हैं कि जी उनका दिल नहीं लग रहा या थक थकन का जो है एहसास होता है या नींद जो है वो नहीं आ रही होती है या बार बार रोना आता है क्योंकि आप बहुत सी अपनी रूटीन जो पहले कर रहे थे उससे हट गए या बहुत कुछ जो पहले कर रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं या बहुत से अपने मिलने वाले करीबी रिश्तेदार दो अहबाब से उस तरह से फिज़िकली मुलाकात आपकी नहीं हो रही है तो आप कोशिश करें कि अपने आप को एक्टिव रखें अपने फिज़िकली भी एक्टिव रखें मेंटली भी एक्टिव रखें कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो हैं आप प्लान करके रखें और वो करते रहें और सोशल ठीक है हम फिज़िकली हम नहीं जा सकते लेकिन हम फोन पे बात कर सकते हैं हम फेसबुक पे बात कर सकते हैं हम वो जरूर जारी रखें ताकि हम अपने आप को ये हम अपने आप को ये सजेशन ना दें कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ डिप्रेशन से बचने के लिए हमें फिजिकली एक्टिव होना है हमें अपना शेड्यूल बनाना है हमें लोगों से बातचीत करते रहना है लोगों के अंदर घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान करके रखेंगे करेंगे तो आपकी एक सोशलाइजेशन घर के अंदर जो है वो जारी रहती है आ, कुछ लोग कहा कि ये सवाल पूछे कि जो पुअर लोग हैं वो क्या करें <coughs> बिल्कुल ये टाइम ऐसा है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं जो रोज़ाना कमाते थे तो उसके लिए आ, हमें जो हम थोड़ा सा बेहतर कमा लेते हैं या जो जो लोग समझते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जो थोड़ा ज़्यादा है या एक्स्ट्रा है नहीं भी है तो कुछ बचत करके हम कुछ ना कुछ जो है दूसरों के लिए ज़रूर निकालें आ, बहुत सारी ऐसे आ, आपने देखा होगा कि हेल्पलाइन पे यानी टेलीविजन पे इस तरह के एडवर्टीज़मेंट आ रहे हैं कि बहुत सी जो एन हैं वो हेल्प कर रही हैं उन्होंने अपने जो अकाउंट नंबर्स हैं वो भी दिए हुए हैं और आपके इर्द गिर्द भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप जानते होंगे या मोहल्ले में बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो कमेटीज़ बना देते हैं ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सकें जो अभी इस वक्त कमा नहीं पा रहे तो बिल्कुल इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है आ, हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं तो जहाँ जहाँ मैं समझती हूँ कि हमारे अंदर कोई भी ऐसी सलाहियत है जो हम हम किसी और के काम ला सकते हैं तो वो ज़रूर आप देखें कि कौन कौन सी ऐसी सलाहियत है जो आप आप किसी दूसरे के हेल्प कर सकते हैं या आपकी वो सलाहियत किसी और के काम आ सकती है चाहे वो घर के काम हो चाहे वो टीचिंग हो चाहे कोई सर्विसेज आपने देनी हो चाहे फाइनेंशली किसी की मदद करनी हो तो आप उसको ज़रूर कीजिए Uh, और इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड स्ट्रेस से रिलेटेड एनजाइटी से रिलेटेड या डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी अलामत महसूस होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर टेलीफोन करके वहाँ से मदद जो है वो हासिल कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वक्त जो है मुझे सुना और टाइम निकाला और मैं उम्मीद करती हूँ घर पर रहते हुए अपने आप को खुश रखेंगे और घर पे रहते हुए अपनी फंक्शनिंग को जो है वो बहाल रखेंगे और अपने काम काज को जारी रखेंगे थैंक यू वेरी मच